फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक मॉप बना कर लाई हूँ अपनी वीडियो में। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, फ्लोर को भी क्लीन करता है और आप इससे डस्टिंग भी कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पुरानी टी शर्ट ली है और मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। और ये किस तरह से काटा है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, आप उस लिंक पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने इसको किस तरह से कटिंग की है, तो उसके बाद में ये मैंने इसको वाइपर का जो डंडा होता है उसके ऊपर इस तरह से लपेट लिया है। और फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा मॉप बनता है कि आप इस तरह से अपनी पुरानी टी शर्ट्स का आप बनाओगे तो आपका मन कभी भी बाज़ार से नया मॉप ख़रीदने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करोगे। और आपके कम खर्च क्या, बिल्कुल भी कोई खर्च नहीं होगा, जीरो खर्च में आप मॉप बना पाएंगे अपने घर पे ही। और इससे बहुत अच्छे ही क्लीनिंग होती है, आप इससे चाहे फर्श साफ करो, चाहे आप इससे डस्टिंग करो और या चाहे खिड़कियां साफ करो, ग्लास साफ करो, आप कुछ भी इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये मॉप बनेगा और इतना मजबूत बनता है कि ये काफ़ी टाइम तक चलता भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको डंडे पे इस तरह से वाइपर के डंडे पे इस पर लपेट लिया है और इसको यहाँ पे मैं एक गांठ बांध लूँगी ताकि ये लूज ना रहे। और देखिए इसका हमें किस तरह से इससे साफ करना है फर्श को। चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बिना किसी कॉस्ट के ये हमारा मॉप तैयार हो गया। ये देखिए, यहाँ पर मैं ये खिड़कियों पर, ये रोड पर इस तरह से डस्टिंग कर रही हूँ तो बड़े ही ईजिली इससे सारी डस्ट क्लीन हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इसको आप बना करके और इस्तेमाल करके देखिएगा। देखिए कितनी, कहीं से भी कितनी भी ऊंचाई पे डस्ट लगी हुई हो वहाँ से आप आराम से इसको डस्ट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं पूरी डस्ट को। तो फ्रेंड्स, जैसे घर में पंखे भी होते हैं उसको भी डस्टिंग करनी होती है तो स्टूल लेना पड़ता है या किसी और की हेल्प से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आपको कोई स्टूल सीढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप अकेले ही इसको बिना किसी परेशानी के आप पूरी डस्ट पूरे घर को चमका सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि घर में सबके घर में पंखे होते हैं, कुछ सीनरी लगी होती है, उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि घर हमारा पूरा साफ़ सुथरा लगे। ये देखिए, यहाँ जाली पे भी बहुत डस्ट हो जाती है तो उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। फर्नीचर है आपका, बेड है, चेयर है, डाइनिंग टेबल है, किसी से भी आप इसकी मिट्टी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये देखिए, दीवार भी इससे क्लीन हो सकती है और अपने विंडो हैं, दरवाजे हैं घर के, हैंडल है, कहीं से भी आप इसकी डस्टिंग निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने बेड के साइड पर यहाँ पे डस्ट भी लग जाती है तो इसको भी क्लीन करके दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे देखिए, दरवाजे पे भी डस्ट, ये भी हमें साफ़ करनी ज़रूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे काम की चीज़ है ये, आप अपने घर पर आराम से इसको बना सकते हैं बिना किसी खर्च के। और एक बार बनाइए और सालों साल ये पूरा चलेगा। तो ये देखिए, कितनी भी ऊंचाई पे डस्ट लगी हुई है सबको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।